सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कैसी हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये मेरा ब्लॉग है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि फाइनली हमारे घर जो है पूजा शुरू होने वाली है। तो हमने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आई होप आप लोग को ये हमारा वीडियो अच्छा लगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें जितना हो सके उतना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ दोस्तों, और भगवान को भी प्रणाम कर पाएँ। तो फाइनली हमारे घर इतने सालों के बाद जो है फंक्शन हो रहा है, तो दोस्तों हम लोग जो है बहुत हैप्पी हैं और सभी लोग जो है काम में बिजी हैं, कोई नहीं खाली है। तो मैंने कहा कि भैया मेरा थोड़ा सा क्लिप बाहर से जो है रिकॉर्ड कर दो, तो बोले कि भाभी ठीक है, लेकिन देखते हैं बच्चे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड करेंगे और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों हम कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। हम भी तैयार हो गए सुबह सुबह नहा धो के। तो मम्मी और पापा जी जो है पूजा पे बैठने वाले हैं, अभी जो है सजावट चालू है। जैसे जहाँ पे रामायण होगा वहाँ पे भगवान स्थापित किए जाएंगे ना, तो जो है वहाँ मंडप वंडप बनाया जा रहा है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है और सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी सारे लोग भी आ गए हैं, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। दोस्तों अभी हम आप लोगों से मिलते हैं कुछ देर बाद, और अगर मैं बात नहीं कर पाऊँगी तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना, तो सब लोग बातें भी कर रहे हैं। अभी अपने बेडरूम में हूँ, आप सभी को पता ही है। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद, बाय। तो गाइस सुबह हो गई है और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे तख्त को धुला जा रहा है और लिपाई हो गई है गोबर से जमीन की, जहाँ पे पूजा होगी ना वहाँ पे अच्छी तरीके से लिपाई हो गई है। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है ना हमारा घर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया। मैंने अपना पिछला ब्लॉग जो शेयर किया था उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा घर सभी को पसंद आया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, और मंडप बनाने के लिए बांस को कट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मंडप की तैयारी शुरू हो गई है, तख्त पे जो है चादर बिछाया गया है, उसके बाद जो है बांस की फट्टी को लेके जो है कुछ इस तरह से मंडप बनाएंगे। सभी लोग बना रहे हैं, चाचा हैं और देवर जी हैं। तो यहाँ पे देखो चाची जी हमारी चाय बनाई हैं सबके लिए, और बुआ लोग हैं आई हैं सबको चाय दे रहे हैं, ननद जी हैं, सभी लोग हैं। तो सुबह का टाइम है तो दोस्तों सभी लोग चाय पियेंगे, और इधर द्वार पे जो है मंडप बनाने की तैयारी हो रही है। जैसा मैंने आप सभी को बताया द्वार को साफ किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले बांस को कट किया गया था, फिर उसकी फट्टी तैयार की गई थी, और फट्टी तैयार करने के बाद उसी से जो है मंडप तैयार किया जाएगा, ये देख सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग जो है बहुत हैप्पी हैप्पी हैं। तो आप सभी के यहाँ ऐसे ही मंडप बनाया जाता होगा जैसे हमारे यहाँ बन रहा है, साड़ी से ही मंडप बनाते हैं। पहले सबसे पहले बांस की फट्टी लगाते हैं, फिर उसके बाद साड़ी ऊपर से डाल के कुछ इस तरह से जो है मंडप तैयार करते हैं भगवान जी का। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखो बुआ लोग जो है कलश को गोट रही हैं जौ से। तो छोटे छोटे क्लिप हम आप लोग के साथ शेयर करते चलेंगे, और वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लास्ट तक देखना। अगर आप मिस कर देंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिस कर जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देखो चावल को रंगा गया है कलश में लगाने के लिए। तो सबसे पहले जौ को कलश में अच्छे से लगा देंगे, बुआ लोग ही लगा रही हैं दोस्तों, और उसके बाद इस चावल को जो है कलश में सजाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप सभी,
तो दोस्तों इतने सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बुआ हैं, दीदी लोग हैं, यानी हमारी ननद जी और हमारे हबी की बहन। तो दोस्तों मंडप जो है सज गया है और बुआ लोग जो है कलश को गोट रहे हैं। हमारे यहाँ गोटना ही बोलते हैं, जैसे उसमें जौ लगाना और चावल लगाना यही सब लगा रही हैं। तो क्योंकि सभी जो है बिजी हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी हम आप लोगों से कुछ देर बाद, ठीक है, बाय। तो दोस्तों काफ़ी समय लगता है मंडप तैयार करना, कलश तैयार करना, यानी पूजा की तैयारी करना बहुत समय लग जाता है। सुबह से ही सभी लोग जो है बिजी हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जल्दी जल्दी काम जो है अपना सारा ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मम्मी पापा भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि इन्हीं को जो है पूजा में बैठना है, तो इसलिए सब लोग जो है तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जी अपना काम कर रहे हैं और पूजा का सारा सामान उनके पास रखा हुआ है, ताकि उन्हें मांगने की ज़रूरत ना पड़े किसी से। तो इसलिए सारा सामान पंडित जी के पास है और घर को सजाने के लिए आदमी लोग भी आ गए हैं, तो घर को भी सजाया जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूंगी, अगर हो सकेगा तो इसी ब्लॉग में, नहीं तो अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी। लेकिन हर छोटी छोटी क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप सभी जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस दिन का। क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी बोल रहे थे भाभी आप जो है डेली ब्लॉग डाला करो, तो मैंने आप लोग को बताया था ना दोस्तों कि हमारी तबीयत जो है थोड़ी सी डाउन है, तो इसलिए हम जो है एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी। लेकिन हाँ मैं आप लोग के साथ कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ शेयर करूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा जो मंडप है वो बन के तैयार हो गया है और चारों तरफ बैलून लगाया जा रहा है और बच्चे भी हमारे जो है खेल रहे हैं, वो लोग भी बहुत खुश हैं। और जैसा मैं आप सभी को बताया कि पंडित जी अपना काम कर रहे हैं। और दोस्तों पूजा का जो सामान है बहुत सारा है, अगर मैं सारे सामान का नाम बताने लगूंगी ना तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूजा का जो सारा सामान है पंडित जी के पास रख दिया गया है। तो कुछ इस तरह से जो है दोस्तों सब कुछ तैयार किया जा रहा है। चलिए लगा देते हैं म्यूजिक, ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखना, एक क्लिप मिस मत करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हम लोग भाई इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों चलो मिलते हैं। क्या है, रुको मैं दे रही हूँ, रुको देख लो। सो गाइस शाम हो गई है और आप लोग सुन रहे होंगे ना रामायण गाने वाले आ गए हैं, गा रहे हैं। तो मैं टाइम भी आपको बता देती हूँ, 4 बज गए हैं और हम लोगों को कुछ काम था नहीं, वही हल्का फुल्का काम था इधर उधर वाला। तो
कि मम्मी जी जो है खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा के ही हाथ से था गृह प्रवेश, तो इसलिए जो है वो खाना नहीं खाएंगे। मम्मी कल सुबह खाने वाली हैं, जैसे आ जाओ, जैसे पंडित लोग खाएंगे, फिर कन्या खाएंगे, फिर उसके बाद जो है मम्मी पापा खाना खाएंगे। तो उनके लिए हमें दोपहर में फरार बनाना था, जो हम बनाए, फिर मम्मी खाई, फिर उसके बाद हम जो है सो गए। जानवी इधर आओ, आ जाओ, ये देखो सो के आ रही है अभी। बंदर क्यों बन गई है, दिख नहीं रहा है तेरा। आ मेरे पास, पानी पीना है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से कच्चे ब्लॉग के साथ। उसका वेट करते रहना, आपकी आराध्या, फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। और